आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ पाव भाजी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो मैं पाव भाजी बनाने जा रही हूँ, तो चलिए आप लोग देखिए मैं पाव भाजी कैसे बनाती हूँ। तो मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, आप लोगों को के साथ वही शेयर करूँगी। तो चलिए जब तक देखते हैं मैं पाव भाजी कैसे बना रही हूँ। बोलो हाय। हाय बोलो। हाय हाय हाय। हेलो। बोलो हेलो। जीभ दिखा रही हो, लल्लू दिखा रही हो। गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात, जीभ नहीं दिखाते, गंदी। नमस्ते कर दो। अच्छा नमस्ते। हाँ ऐसे नमस्ते करो। नमस्ते 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 करो पहले। ऐसे नमस्ते फिर से करो, फिर से करो नमस्ते। ऐसे तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पाव भाजी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सब्जियों को पहले ही धुल लिया था, सारी सब्जियाँ। और अभी मैं यहाँ पे सब्जियों को कट कर रही हूँ। और पहले ही मैं सब्जियों को धुल के रख देती हूँ, उसके बाद कट करती हूँ। और काटने के बाद मैं सब्जियाँ जल्दी से नहीं धुलती हूँ। और आलू आजकल नए हैं तो उसमें मिट्टी रहती है, तो आलू कभी कभी मैं अगर मुझे मिट्टी ज़्यादा लगी तो मैं फिर से धुल देती हूँ। लेकिन ज़्यादातर से सब्जियां मैं पहले धुलने के बाद ही कट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कई तरह की सब्जियां ले रखी हैं। गोभी है, मटर है, गाजर है, आलू है। और आप अपनी पसंद से और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं इसमें, कैप्सिकम और पत्ता गोभी। कोई भी सब्ज़ी आप अपनी पसंद से और भी ऐड कर लें, बट मैंने यही सब्जियां ली हैं। ये चार सब्जियां हैं, आलू है, मटर, गोभी, गाजर। तो अब इन सब सारी सब्जियों को मैं पहले बॉईल कर लूँगी। ज़्यादा नहीं बॉईल करूँगी मैं, तेज आँच पे ही मैं कुकर को चढ़ाऊँगी और एक सीटी आने पे ही बस मेरी सब्जियां बॉईल हो जाएंगी। और इधर मैं सब्जियों को बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तो दूसरी तरफ फिर मैं मसाले बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो मसाला बनाने के लिए मैंने टमाटर लिया है, 3 टमाटर हैं, छोटे छोटे साइज़ के हैं। और 1 प्याज ली है, और लहसुन है, अदरक है, और 1 हरी मिर्च। और इन सभी को मैं एक साथ पेस्ट बना लूँगी, सभी का एक ही साथ पेस्ट बना लूँगी, अलग अलग नहीं पीसूँगी। ये देखिए मेरा मसाला भी बन के रेडी हो गया है, मेरा ये पेस्ट प्याज टमाटर अदरक लहसुन का। तो आप लोग भी इसी तरीके से बना लीजिए, और बहुत आसान होता है भाजी बनाना इस तरीके से। और मैंने मसाला पीस लिया, तो अब मैं बनाती हूँ। और ये मेरी बॉईल हो रही थी जो सब्जियाँ, तो वो भी मेरी हो गई हैं बॉईल। तो मैं इसके थोड़ी सी गैस निकाल लेती हूँ ताकि ज़्यादा बॉईल ना हो मेरी सब्ज़ी, वरना बहुत ज़्यादा गल जाएंगी। तो मैंने इसकी सीटियाँ जो थी मैंने निकाल दी, और फिर मैंने सब्जियों को जो बॉईल थी उसको अलग से छान लिया है। और दूसरी तरफ मैं तड़का लगाया है मैंने जीरा और हींग का। और उसके बाद जो मैंने मसाले लिए हैं, पाव भाजी मसाला है, उसमें हल्दी और मिर्च पाउडर लिया है। इन सभी को तेल में डालने के बाद जो मैंने पेस्ट बनाया था प्याज लहसुन टमाटर लहसुन अदरक का, इसको भी मिक्स कर दूंगी। और फिर अच्छे से करीब 5 मिनट तक मसाले को पकाऊंगी। और इन सभी को पकने के बाद फिर मैंने जो सब्ज़ियाँ ऐड की थी, तो उन सब्ज़ियों को भी मैं इसी में मिक्स कर दूंगी। और अच्छे से चलाते हुए मैं मिक्स करूंगी। तो इसमें कलछी की मदद से ही सारी सब्जियों को मैं मैश कर दूंगी। बस इसी तरीके मैश करते हुए सब्जियों को मैं कलछी की मदद से चलाती रहूंगी। और फिर मैं इसमें 1/2 गिलास तक पानी ऐड करूंगी और नमक डाल के, नमक अपनी टेस्ट के हिसाब से आप ऐड करिए, तो उस हिसाब से डाल के और फिर थोड़ी देर इसे ढककर पकने दूंगी। तो मेरी सब्जी बन के पाव भाजी बनाने के लिए, पाव के लिए सॉरी, मेरी भाजी बनके तैयार हो जाएगी।
भाजी बनके रेडी है। और फिर अब मैं पाव को सेक लेती हूँ, तो पाव को मैं यहाँ पे कट कर लूँगी बीच से, और फिर मैं यहाँ पे घी लगाऊँगी, देसी घी, और आप चाहें तो बटर ले लें, बटर का इस्तेमाल करें, बट मैं घी का ही इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादातर से। तो यहाँ पे मैंने तवा गरम कर दिया है, और तवे पे मैं घी लगा के मैं इन सभी को सेक लूँगी। तो इस तरीके से मेरे पाव भी सिक जाएंगे और पाव भाजी तैयार हो गई मेरी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये मेरी पाव भाजी कैसी लग रही है? और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।